नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और रीट शिक्षक भर्ती में 50,000 पदों पर बढ़ोतरी को लेकर, इसी के साथ दोस्तों आपकी अंतिम विज्ञप्ति व सर्टिफिकेट डेट को लेकर दोस्तों वीडियो में बात करने वाला हूँ। आप सबके लिए बहुत अच्छी खबर है। वही दोस्तों, बीएड वाले बाहर होने के बाद आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, लेवल फर्स्ट की और लेवल सेकेंड की कट ऑफ कितनी आपकी बढ़ जाएगी दोस्तों। हालांकि 1 लाख बीएड छात्र भी दोस्तों भर्ती से बाहर हुए हैं। पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलेगी। अंतिम विज्ञप्ति कब आएगी, सर्टिफिकेट डेट आपकी दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। और 110 वालों के अब कितने चांसेस दोस्तों बढ़ गए हैं क्योंकि लेवल फर्स्ट से बीएड वाले बाहर हो गए हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देख लें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों रीट में यहाँ पर दोस्तों पेपर लीक को लेकर भी आज सुनवाई थी और जो 17 अक्टूबर को याचिकाएं टाली गई थी उनको दोस्तों यहाँ पर खारिज कर दिया गया, यानी कि दोस्तों अब आपकी परीक्षा रद्द नहीं होगी। लेकिन पदों में बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों ये दे सकते हैं जी राजस्थान दोस्तों अब आपका साथ दे रहा है। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा, प्रदेश में अब पदों की संख्या बढ़ाने की उठने लगी है मांग। पदों की 31,000 से 50,000 करने की मांग है। सोशल मीडिया पर लगभग 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने दोस्तों ट्वीट किए हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 लाख स्टूडेंट ने एक साथ ट्वीट किया है कि 50,000 पद होने चाहिए। वही दोस्तों आपका जो परिणाम है, जिन स्टूडेंट की OMR शीट में गलत रिजल्ट आया है दोस्तों, उनको नंबर गलत मिले हैं। किसी स्टूडेंट को 129 नंबर मिलने थे, उनको दोस्तों यहाँ पर जो सिर्फ 35 नंबर दिए गए। इसी प्रकार दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट, उन सब का रिजल्ट द्वारा आएगा, सबका रिजल्ट आपका नहीं आएगा द्वारा, लेकिन जिनकी आपत्तियाँ लगेंगी दोस्तों 13 नवंबर तक उनका ही रिजल्ट द्वारा जारी किया जाएगा। तो 10 साल में 4 बार आपकी रीट की परीक्षा आयोजित हो चुकी है दोस्तों। रीट में 12 लाख को मिली थी शिक्षक पात्रता, लेकिन दोस्तों अब 1 साल में रिकॉर्ड 11 लाख योग्य अभ्यर्थियों को किया गया है घोषित। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों RTET में 2011 में कितने स्टूडेंट ने क्वालिफाइड किया था, 2 लाख स्टूडेंट ने क्वालिफाइड किया था। लेकिन अगर बात करें वही दोस्तों रीट 2021 में तो 3 लाख स्टूडेंट लेवल फर्स्ट के हैं और 7 लाख स्टूडेंट दोस्तों आपके लेवल सेकेंड के हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपके 11 लाख स्टूडेंट ने क्वालिफाइड किया है, जो दोस्तों सबसे बड़ा आंकड़ा है। और पिछले चार बार जो RTET हुई थी उसमें सिर्फ 12 लाख स्टूडेंट थे, यानी कि इस बार दोस्तों पेपर इजी आने की वजह से क्वालिफाइड करने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा है। तो रीट परीक्षा में इतनी देरी हुई है, आपकी 2019 में ये भर्ती होनी थी, 2022 तक ये भर्ती हो पाएगी। तो ऐसे में दोस्तों 3 साल के जो बीच का गैप है उसमें दोस्तों काफ़ी सारे पद खाली हुए हैं और सरकारी स्कूलों में एडमिशन भी काफ़ी हुए हैं। तो इसके देखते हुए आपके रीट के पदों में बढ़ोतरी करनी चाहिए सरकार को और आपके पदों में बढ़ोतरी भी होगी। अंतिम विज्ञप्ति की बात करूँ दोस्तों, तो अंतिम विज्ञप्ति जो आने वाली है वो आपकी 22 नवंबर तक दोस्तों आपकी अंतिम विज्ञप्ति आ जाएगी। सर्टिफिकेट आपके 15 नवंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यही अपडेट रहने वाली है सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी जब आप द्वारा से काउंसलिंग या ऑनलाइन आवेदन करोगे। अगर दोस्तों आपकी 31,000 पोस्ट रहती हैं तो ये आपका वर्गीकरण है दोस्तों, लेवल फर्स्ट में कितने पद हैं, लेवल सेकेंड में कितने पद हैं और टोटल आपके 31,000 पद हो जाते हैं दोस्तों। TSP और non-TSP के पद हैं दोस्तों, अगर 31,000 वैकेंसी रहती है। अगर आपकी वैकेंसियों को बढ़ा दिया जाता है तो दोस्तों आपके अलग से द्वारा से जो विज्ञप्ति आएगी बीकानेर विभाग के द्वारा, उसमें आपके पद बढ़ सकते हैं। 5,000 विशेष शिक्षकों की मांग की जा रही है कि 5,000 इसमें विशेष शिक्षकों के भी पद बढ़ाए जाएँ ताकि सभी की यहाँ पर दोस्तों जॉब लगे और कट ऑफ भी कम रहे। तो यह पूरा प्रोसेस है दोस्तों रीट को लेकर। और अभी 22 नवंबर का इंतजार रहेगा दोस्तों। 22 नवंबर को 9 लाख से ज़्यादा बीएड धारकों को झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, उनको बाहर किया जा सकता है। हालांकि अभी से जो अपडेट है उसके साथ बीएड बाहर होगा, लेकिन अभी पक्की खबर नहीं आई है दोस्तों। पक्की खबर आपको 22 नवंबर को देखने को मिलेगी और आपको जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो इससे बाहर होने वाले हैं, ये भी आपको नहीं भूलना है दोस्तों। तो BSTC अभ्यर्थियों की ओर से और इंतजार करना होगा, 22 नवंबर को सुनवाई होगी इसको लेकर। ये आपके डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जैसे ही आपकी अंतिम सुनवाई आ जाती है 22 नवंबर के, उसके बाद आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो BSTC वाले स्टूडेंट है जो लेवल फर्स्ट के लिए जो है आवेदन या काउंसलिंग करा सकते हैं, बीएड वाले लेवल टू के लिए। अब कट ऑफ कम इसलिए होगी दोस्तों, BSTC के जो स्टूडेंट हैं वही लेवल फर्स्ट के लिए काउंसलिंग कराएंगे, बीएड वाले बाहर हो जाएंगे तो कट ऑफ स्वाभाविक बात कम हो जाएगी। अभी अभी 47,000 पद खाली हैं दोस्तों, 24,000 फर्स्ट ग्रेड जो है लेवल के हैं और 23,000 दोस्तों लेवल टू के पद अभी भी खाली हैं। सरकार चाहे तो पद बढ़ा सकती है दोस्तों। और जल्द ही आपकी रीट की मार्कशीट आपके लिए दोस्तों अपलोड कर दी जाएंगे, जहाँ से आप दोस्तों उनको जो है डाउनलोड कर सकते हो और उसके माध्यम से दोस्तों आप जो है अंतिम मेरिट के लिए आवेदन कर सकते हो। अंतिम मेरिट का बात करूँ दोस्तों, तो अंतिम मेरिट की जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो आपकी इस प्रकार रहेगी, ये लेवल फर्स्ट की दोस्तों। अगर STC सिर्फ STC रहती है इसमें,
तो ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं L2 की बात करूं तो L2 में कट ऑफ थोड़ी आपको हाई देखने को मिलेगी। हालांकि जो दैनिक भास्कर है दोस्तों बिल्कुल सटीक कट ऑफ बताता है, यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। हिंदी सामाजिक की 81% तक कट ऑफ जाएगी। फॉर्मूला आपके बार दोस्तों 90+10 का रहने वाला है। इसीलिए दोस्तों आपको पेपर भी सरल आया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के जो है 3 साल का बाद सर्टिफिकेट समाप्त हो रहे थे, तो इसको देखते हुए दोस्तों ये पेपर ईजी दिया गया था। अगला पेपर दोस्तों, अगर आपकी वैकेंसी नहीं बढ़ती है दोस्तों तो 47,000 पदों पर अगली जो है भर्ती होने वाली है। अगर इसमें से वैकेंसी बढ़ जाती है दोस्तों तो उसी के हिसाब से अगली भर्ती होगी। 2023 से 2024 के बीच आपको अगली भर्ती देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको दोस्तों राजस्थान शिक्षा भर्ती की सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। और लेवल फर्स्ट में अभी 18,750 पोस्ट है, जिसको लेकर दोस्तों खुद जो सरकार है उसने बताया है कि इतने स्टूडेंट जो लेवल फर्स्ट में 3 लाख स्टूडेंट हैं उनके लिए इतनी पोस्ट काफ़ी हैं। तो इसको देखते हुए लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें। अंतिम विज्ञप्ति आपकी 20 या 22 नवंबर के बीच आएगी। सर्टिफिकेट आपके 15 नवंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 110 वालों के भी चांसेस हैं दोस्तों, आप काउंसलिंग जरूर कराएं जब आपका अंतिम आवेदन होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।